हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ पापा मम्मी से मिलने, क्योंकि पापा का आज बर्थडे है और मैंने बिल्कुल नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ। वो लोग भी शिमला में, आपको तो पता ही है कि पापा का रूटीन चेकअप होता है, तो इसलिए वो लोग शिमला आए हैं और मैं भी वहीं पर ही उनको मिलूँगी। टेंजिन हॉस्पिटल से उनका चेकअप चल रहा है, तो वो उस टाइम पर वहीं होंगे। और मैं अभी सुबह का टाइम है और मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ ताकि मैं उधर उनको सरप्राइज़ दे सकूँ। छोटा सा केक लेकर जाऊँगी। वैसे पापा मीठा खाते नहीं क्योंकि शुगर है, लेकिन मैं पापा के लिए एक स्पेशल सा सैंडविच बनाऊँगी और लेकर भी जा रही हूँ, जो मैंने बना रखा है। पर वो अगर मैंने खा लिया तो मैं नया बनाऊँगी फ्रेश पापा के लिए। तो नमकीन के साथ हम हमारा बर्थडे केक काटेंगे, मतलब सैंडविच वाला बर्थडे केक हुआ पापा का आज। तो मैं निकलती हूँ अभी फ़िलहाल, मेरी कैब भी पहुँच चुकी है और बाद में आपसे बात करने से पहले गाय को रोटी डाल देती हूँ। कैब आ चुकी है और हम लेट हो गए हैं। अभी इस टाइम सुबह का टाइम है तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है, तो फिर पहुँचना तो है ही मुझे, वरना क्योंकि अभी बसेस की भी स्ट्राइक चल रही है तो और पेट्रोल भी नहीं है। बहुत बहुत सारी अड़चने हैं मेरे रास्ते में, फिर मुझे जाना है क्योंकि मुझे सरप्राइज देना है पापा को। वैसे तो अगर रजत यहाँ होता तो मुझे इतना नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा जाता ही जाता है। तो अब रजत नहीं है यहाँ पे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पापा मम्मी को पीछे से ध्यान रखूँ और चेकअप के लिए भी उनके जाऊँ। और ऐसे बर्थडे तो यार साल में एक बार आता है, तो इस पे भी पेरेंट्स के नहीं पहुँच पाई तो क्या, फिर दो ही तो बच्चे हम। अब वो कनाडा में है, वहाँ से तो नहीं पहुँच सकता, फिर मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो जा ही सकती यार, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और कल मुझे वापस भी आना है क्योंकि कल है बहुत बड़ा सरप्राइज़, और वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में ही कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि कल मुझे वापस क्यों आना है। बाय, मिलते हैं कल। सो गाइज, मैं पहुँच चुकी हूँ शिमला और अभी तक पापा को कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ। उनका चेकअप भी हो गया है, वो लोग निकल गए तो घर के लिए निकल चुके हैं, और मैं यहाँ बाईपास पे हूँ क्योंकि मेरी कैब यहीं तक थी। और अब यहाँ से भी मैं आगे टैक्सी करूँगी शायद, या अगर मुझे बस मिल गई तो, क्योंकि आज स्ट्राइक है बसेस की भी, तो मुश्किल है बस मिलना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कैब ही करती हूँ। और क्योंकि केक भी लेना था मेरे को, छोटू था या पेस्ट्री लूँगी, क्योंकि मैं और मम्मी खाएंगे पर कटवाऊँगी पापा से। कौन सी पेस्ट्री खाऊँ, मम्मी तो ये वाली बोल रही है चॉकलेट पेस्ट्री, कौन सी चॉको चिप वाली बहुत टेस्टी लग रही है, ये वाली करवाती हूँ। केक मैं ले चुकी हूँ और अब निकल गई हूँ मैं आगे के लिए। मुझे टैक्सी भी मिल गई है और अब मैं पहुँचने वाली हूँ पापा मम्मी को। मम्मी को तो पता है पर पापा को ज़रा भी आइडिया नहीं है। मम्मी बार बार मैसेज करके पूछ जा रहे हैं ताकि पापा को शक ना हो कॉल करके, इसलिए मम्मी मैसेज कर रही है कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो अब मैं जस्ट 5 या 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ घर, और देखते हैं कि पापा का क्या रिएक्शन होता है। आज इतने सारे बैग हैं मेरे पास, लेकिन मैं ये कर रही हूँ कि एक बैग अभी नीचे रखती हूँ क्योंकि इधर से जाना है, और सिर्फ क्लिक लेकर जाती हूँ। मैं पापा को बोलती हूँ पापा एक ऑर्डर आया है लिफ्ट में और उसको देखो, और फिर पापा देखेंगे मेरे को, ऐसा करती हूँ। हाँ, एक बड़ा पार्सल आया है। इतना बड़ा पार्सल ना, अंत पहुंच गया यहाँ। देखो तो पार्सल, इसको पकड़ो, शूज खोलते हो। हैप्पी बर्थडे, कहाँ गए छुपे रुस्तम? हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे बॉय, केक लाई हूँ आपको। आज तो भाई शुगर कम हुई पापा, पार्टी। चलो चलो ऊपर डिनर करने चलेंगे। नमस्ते, चलो ऊपर घूमने चलते कहीं। क्यों, तो आपने केक सैंडविच खाना? सैंडविच बना के लाई हूँ, तो चलो चाय के साथ खाना अभी। अब है केक कटिंग सेरेमनी, कैंडल भी जलाऊं? एक तो लगाती हूँ। रुको, काट दिया उतने में तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अशोक जी, पापा जी, टू यू, ए गॉड ब्लेस यू। चॉकलेट भी इसमें हो गई है, सूख गई है। नहीं नहीं खाओ आप, तो आपको नमकीन कुछ देते हैं। नमकीन केक बनाना। तो गाइस आज मम्मी के किचन में बन रही है गाजर मटर की सब्जी,
और मैंने भी सुबह का मटेरियल तैयार कर दिया है, सैंडविच बनाऊंगी जो मैंने आज सोचा था बनाने का, लेकिन पापा ने बोला क्योंकि मैं नाहन से भी बना के लाई थी पापा के लिए, तो पापा ने कहा कि अब कल सुबह बनाइयो, अभी तो नहीं खाना है, तो अभी रात में तो नहीं बनाएंगे, अब डिनर ही करेंगे और कल सुबह बनाऊंगी सैंडविच। और कल ही हमको निकलना भी है, पापा वगैरह तो जाएंगे गाँव और मैं जाऊँगी नाहन वापस, फिर मिलते हैं अब कल सुबह। ये चल पड़े हैं रिफ्यूजी, मम्मी दिखाओ तो चेहरा दिखाओ तो, अंधेरा ही अभी और अंधेरे में निकल चुके हम। यार मम्मी ने खाना नहीं खाते ही नहीं है, जब हमने आना होता मैंने रजत ने इंतजार करिए, तो मेरे को भूख ही नहीं है, मुझे भूख पहले बोला भूख है बाद में बोलते पता खा लेती खाऊंगी थोड़ी देर बाद, कोई ना कोई आ रहा है इनको लग जाए एहसास हो जाता है इनको। अच्छा मैंने बोला भी आवाज तो आई नहीं गाड़ी की, जब गाड़ी रोकी उन्होंने यार मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, तब भी शक हुआ भी गाड़ी रुकाई उसने तब की बात। मैं बहुत तेज हूँ, मैं जहाँ पे बात कर रही थी तो मैं इस तरह से शो कर रही थी कि मैं तो घर पे ही हूँ। बाय 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 बाय, लोहड़ी पे मिलते, बाय बाय। तो गाइस पापा मम्मी चले गए थे घर के लिए और मुझे भी डायरेक्ट बस मिल गई थी, मतलब डायरेक्ट नाहन के लिए नहीं मिली थी, लेकिन चंडीगढ़ की एक वॉल्वो लगी थी तो मैं उसमें आ गई सोलन तक, मैं कहा सोलन में ब्रेकफास्ट करूँगी, तो अभी मैं मौका आई हूँ, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर निकलूँगी आगे के लिए भी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे में आप अलग ही एनर्जी देख रहे होंगे क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी का रीज़न आपको कुछ ही टाइम में पता लग जाएगा, क्योंकि आज हमने जाना है कहीं, मतलब पांवटा साहिब जाना है और कुछ इम्पॉर्टेंट काम है हमें, तो अभी थोड़ी देर में शुभम भी पहुँच रहे होंगे, मतलब पहुँच के फिर हम निकलेंगे पांवटा के लिए और मुझे भी रेडी होना है और अच्छे से तैयार होंगी क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और बाकी चलो अगर मैं ज़्यादा देर शूट करूँगी तो मैं सब कुछ उगल दूँगी, तो मैं चाहती नहीं हूँ अभी उगलना कुछ भी, तो थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रही थी और क्यों मैं इतनी एक्साइटेड थी। दोस्तों ड्रेस नंबर 4 तैयार हो चुकी है गाइस, 4 ड्रेसेस बदलने के बाद मैंने पहना है ये, क्योंकि ये मेरे पास न्यू स्वेटर था तो न्यू चीज लेने जा रहे हैं, तो न्यू स्वेटर पहनना तो बनता था। और पहले हम मिठाई लेंगे क्योंकि मुंह मीठा करना भी आज बनता है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और अभी हम जस्ट पहुंच चुके हैं पांवटा साहिब जो नाहन से बहुत पास है, नाहन वालों को सिरमौर वालों को तो पता ही है, बाकी पूरे हिमाचल और इंडिया वालों के लिए था ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सा, नाहन से नजदीक ही है, 40 मिनट्स का रास्ता है पांवटा साहिब के लिए, बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बिल्कुल नियर बाय है। अब मैं बोल ही देती हूँ क्यों आए हैं हम, नहीं चलो दिखा के बताऊंगी, ठीक है बाय। क्या लेना है, गुलाब जामुन या बर्फी लेती हूँ, चलो। इतनी मिठाइयाँ देख के ना मुझे अलग ही क्रेविंग हो रही है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, हो गई मिठाई डन, लो। तो फाइनली गाइज वो घड़ी आ चुकी है, क्यों आए हैं हम अब मैं बताने वाली हूँ। हम आए हैं गाड़ी की फुल डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम करवाने, गाड़ी आ चुकी है हमारी, लेकिन उसकी पहली झलक अभी हम आपको नहीं दिखाने वाले, वो दिखाएंगे हम जिस दिन हम डिलीवरी देंगे, मतलब 2-3 दिनों का ही गैप है, ज़्यादा नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करवाएंगे, लेकिन आज ऑफिशियली हमारे नाम गाड़ी हो रही है। फिर कौन सी गाड़ी ले रहे हैं हम, क्या सोचा, बहुत सारी हैं देखते, ये वाली टोयोटा का पीछे आ रहा है बैज, थोड़ा सा हिंट तो ले रहे हैं बंदे, या जो अंदर है उनमें से कोई, शिवानी कैसा फील लग रहा है, मालकिन साहिबा करो हाथ आगे, ये हो गई आज से तुम्हारी, ठीक है, इतनी खुशी मुझ बर्दाश्त तो नहीं हो रही है, वाह, ये छुपा दिया करूंगी मैं जा पे आओ ताकि तुम बाहर ना जाओ, है ना, ताकि तुम नहीं जाओ तभी तुम्हें को, यही तो डर है मेरे को कहीं अब शिवानी गाड़ी चलाना सीखने की जिद करेगी, इसमें वो नहीं है खोलने वाली नहीं है, होती है रहने, इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, एक ही दिन में भी इतना ज्ञान नहीं देगा रे मैं, हीटर चल रहा है इसका,
खत्म बंद कर दो कहीं तो शिवानी बोलती इसका एसी ऑन है बंद कर दो कहीं इसके पेट्रोल खत्म ना हो जाए। मैं क्या पहले पेट्रोल मिनिमम इस पे देती कंपनी। इस गाड़ी फाइनली हमारे नाम हो चुकी है, अब हम मालिक हो चुके हैं एक और गाड़ी के, तो वो उसका मुंह रिवील होगा कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, 3-4 दिनों में मतलब, पर नेक्स्ट व्लॉग उसी का होगा, तो आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा गाड़ी अपने तक लाने में। तो अभी देखते जाओ आप आगे आगे क्या क्या होता है। चलो अब गाड़ी ले ही लिया है तो भूखे भी क्यों रहना, खा भी लेते हैं कुछ तो कर देते हैं, छोटी सी पार्टी कर लेते हैं हम दोनों आपस में, ये पार्टी टाइम, सोया चाप के साथ। चलो छोटी सी चॉकलेट वाली पेस्ट्री खा ली क्योंकि मेरा वो बहुत मन खा ली गाइस, और क्योंकि तुमसे पूछा था खिलाई नहीं मैंने, तो अब ये पत्नी का फर्ज होता है ना कि मैं, अगर मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं लाना तो हम शेयर कर लेंगे एक से, मतलब नहीं मैं नहीं कर सकती, शेयरिंग मींस नो केयरिंग, शेयरिंग मींस फुल ऑन केयरिंग। नो, देखो इसको इसके मुंह में पानी आ चुका है, इतनी भूख लगी है इतनी देर से, पानी पानी गजब टेस्टी हुआ, मेरे को पता है, बंद करो कैमरा, कप 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 आइस, देखो धुंध कितनी ज्यादा है, मतलब कुछ भी नहीं देख रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड चल रहे हम लोग, सिर्फ ये कैट आईज को फॉलो किया जा रहा है। ये मतलब कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रही है, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये होते क्यों हैं शुभम ये तो बताओ, लॉजिक क्या होता है इनका कैट आईज का, मुझे नहीं पता है, हमें रात को अंधेरे में भी लेंस ऑन बेसिकली इसी के लिए होते हैं। पेमेंट हुई है यहाँ पे ना, हाँ। जहाँ तक मतलब बिटुमन पड़ा है या तारगोल पड़ा है, तारगोल बोलते हैं इसमें, ठीक है, हाँ। वो पड़ा हुआ है, उसके आगे का ये बोलते हैं शोल्डर, ठीक है, वो होता है पार्किंग के लिए, ऐसा नहीं है तुम गलती, और कच्चा एरिया होता है ना ये, इसमें बंदा ड्राइविंग करते करते रोड पे सोचे और साइड में, और साइड में पत्थर हो, कुछ गड्ढा हो, कुछ भी हो, और खाई हो मान लो, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों में तो खाइया भी बहुत, इसलिए इसलिए लगा होती है। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मेरे पार्सल है, तो अभी तो पर हमारे को खाना भी बनाने, पर आज खुशी में खाना खाने के मन नहीं हो रहा, भूख नहीं है क्योंकि हम चुका है हमारा, आज तुम इतनी बड़ी इस पे गाड़ी की मालकिन हो गई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है आज? घिसा पिटा वो लग रहा है मेरे को, कपिल शर्मा शो थोड़ी चल रहा है, नॉर्मल लाइफ चल रही है हमारी, कैसा लग रहा है ऐसे, तब भी कैसा फील हो रहा है, कुछ तो इमोशन कुछ तो होगा, इमोशन अभी तो मतलब अभी जब तक जब बैठेंगे जब जाना शुरू होंगे, और आज तक जब तुमने पेमेंट होगी पूरी, अरे तो अभी मतलब ऐसा फील नहीं आया ना उतना ज्यादा, वो जब हम बैठना शुरू होंगे तब अलग चीज होती है, तब अलग नहीं, वैसे भाव क्या थे आज? हाँ अभी सच में नहीं हो रहा था ऐसा कि गाड़ी है, मतलब एक्चुअल में बता रही हूँ कि ऐसा फील अभी तक नहीं आ रहा, ये है ये तब ऐसा होता ना, हम अभी तक मतलब वो चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाए, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें।